आप टारगेट करके, बेइज्जत करके आप हमारे घर में नहीं घुस सकते। अगर आपको हमारे घर में भी आना है तो प्यार से आइए, हम उस पर निर्णय लेते सोचते, लेकिन आप हमें बेइज्जत करके आप हमारे घर में घुस गए कि हम क्या गलती किए, क्या गुनाह किए जो मैं जाके प्रायश्चित करूं? क्या मेरी ये लड़ाई निषाद समाज को हक अधिकार दिलाना, उसको आरक्षण दिलाना, अगर ये अगर गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार ये गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। जिस बच्चे को हम गोदी में पकड़ा आज वो जेल पर बैठा दिया, क्या उसका अधिकार है कितना? वो मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जो दलित के साथ व्यवहार किया है वह व्यवहार आज तक हम लोग हमारे जीवन में किसी ने नहीं किया है। गीता जी कर दी डॉक्टर गीता कुमारी जी श्री रामायण जी का और डॉक्टर गीता कुमारी जी का अब मैं आग्रह करूंगा सूत्रों से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश बाबू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे मीडिया वालों यहाँ पे उपस्थित थे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सबके जानकारी में है कि रमे राम जी जो 1972 में पहली बार विधायक बने और हमारे जन्म से 9 साल पहले इतने बड़े पुराने नेता हैं, 8-9 बार विधायक बन चुके हैं, आज मुझे एक अच्छा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे पार्टी में रमे राम जी ज्वाइनिंग किए हैं और उनकी सुपुत्री डॉक्टर गीता कुमारी जी भी आज पार्टी ज्वाइन किए हैं। और आप सभी को जानकारी में है कि ओझा विधानसभा में उपचुनाव होना है और यहाँ पे हमने निर्णय लिया है श्रीमती गीता कुमारी जी को प्रत्याशी बना है, आज पार्टी के सदस्यता समर्थन दिए हैं और मजबूती से हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आप सबको जानकारी में होगा कि 2020 में बीजेपी पार्टी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज हुआ, एनडीए गठबंधन में रहेगा। और आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का निधन के बाद वो सीट खाली हुआ और उस पर आप सबको पता है कि एक बीजेपी पार्टी का हक और अधिकार था वहाँ पे चुनाव लड़ना, लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन में साथी ने साथ नहीं दिया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा और मजबूती से बीजेपी पार्टी लड़ने का निर्णय लिया है और मजबूती से वहाँ पे हम लोग लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। अभी हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक बड़ा अनुभवी अभिभावक का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और आज बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। इस पार्टी को बहुत आगे तक इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, ये मैं आशा और उम्मीद के साथ में हूँ और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत होगा और 16 तारीख को जो परिणाम आएगा वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, लोग लड़ते हैं हम पर राज करने के लिए और हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो हम अपने वजूद के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसमें ओझा विधानसभा के जनता ही मालिक है और उनके बीच में हम पहुंचेंगे और हम एक एक बात को बताएं बोलेंगे रखेंगे और जनता मालिक जो है वो निर्णय लेंगे कि किनके साथ न्याय करना है। और हम मानते हैं कि ओझा विधानसभा के एक एक मतदाता के बीच में हम जाएंगे और हर एक मतदाता सही निर्णय लेंगे, क्योंकि अक्सर जनता हमेशा नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता के ऊपर है कि जनता सही कैसे निर्णय लेंगे,
मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व में भी वीआईपी पार्टी के मजबूती से प्रत्याशी को जिताए और इस बार भी बोछार विधानसभा में हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे और मजबूती से हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे शामिल हुए हैं जिला जी और अमर जी, उधर भी आरजेडी में आज अमर जी शामिल हुए हैं, क्या लगता है आरजेडी में? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, मुसाफिर पासवान जी हमारे अभिभावक थे, नहीं रहे, सीट खाली हुआ और हम लोगों ने पूरा निर्णय लिया था कि जिस तरीके से मुसाफिर पासवान हमारे साथ थे मजबूती से, उसी तरीके से हम भी उनके परिवार से के साथ रहेंगे और हम लोगों ने उनके साथ रहा भी, खड़ा भी रहा। उसके लिए हमें कई लड़ाई लड़ना पड़ा, लेकिन आज कह सकते हैं कि अमर पासवान जी पे हम लोगों ने निर्णय लिया था चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं और वो पता चला कि आरजेडी ज्वाइन करके वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो पहले भी मेरा उनके ऊपर शुभकामना था, अभी भी शुभकामना है और आगे भी शुभकामना रहेगा, लेकिन हम लोग मजबूती से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर गीता कुमारी जी को वहाँ पर चुनाव जिताएंगे और आगे मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है मुकेश सहनी जी, जिस तरीके से यूपी में आप बीजेपी के खिलाफ अटैकिंग मोड में थे, तो क्या बोछा में जब आप चुनाव प्रचार करने जाएगा तो वही अटैकिंग मोड में रहिएगा या नरम रहिएगा, क्या रहिएगा? नहीं, देखिए, हम उत्तर प्रदेश में भी जो तरीके से हमने तैयारी किया था उसी तरीके से हम लोग बिहार में भी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग एनडीए में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार का पार्ट है और सरकार हमारी है और हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दोस्ताना संघर्ष होगा। और अभी यहाँ पे हमारी अपनी वजूद की लड़ाई है कि कोई लोग हमारे घर को कब्जा करना चाह रहा है, हमारे घर में घुस रहा है, तो हमारा अभी एक ही लड़ाई है कि उस घर से उन लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि वो घर हमारा है और हम अपने घर में किसी को घुसने नहीं देंगे। वो हमारी लड़ाई होगा और फिर उसके बाद आगे की बहुत बड़ी लड़ाई होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं मजबूती से। हम अपने घर को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। मंत्री जी, आप दिल्ली गए थे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बात करने, क्या दिल्ली में बात नहीं बनी? नहीं, देखिए, मैं और भी विषय को लेके गया था, और भी चीजें था, लेकिन आप जिस तरीके से जो घटना हुआ इस पे भी चर्चा हुआ, हमने भी प्रयास किया कि जो हो रहा वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी सीट जो है हमें लौटाया जाए, तो उस पर कह सकते हैं कि सही बात नहीं हुआ और इसके लिए हम लोग मजबूती से हमने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। और कोई किसी को अगर मेरे को चाहिए तो प्यार से मांग सकता है। आप चार महीना से लगातार आप वीआईपी पार्टी निशा समाज को या मुझे कह रहे हैं, तो मतलब पूरे निशा समाज को कह रहे हैं, आप टारगेट करके बेइज्जत करके आप हमारे घर में नहीं घुस सकते। अगर आपको हमारे घर में भी आना है तो प्यार से आइए, हम उस पर निर्णय लेते सोचते, लेकिन आप हमें बेइज्जत करके आप हमारे घर में घुस गए। आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उनके पार्टी के लोग, जो हमें उचित नहीं होगा बोलना। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, आप प्रायश्चित कीजिए बीजेपी को मदद करके। आप बताइए कि हम क्या गलती किए, क्या गुनाह किए जो मैं जाके प्रायश्चित करूं? क्या मेरी ये लड़ाई निशा समाज को हक अधिकार दिलाना, उसको आरक्षण दिलाना, अगर ये अगर गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार ये गुनाह करने के लिए तैयार हूं। मैं उत्तर प्रदेश गया, मैंने क्या कहा कि हमें आरक्षण चाहिए? अगर उस बात से अगर किसी को तकलीफ है तो फिर उससे हमें कोई लेना देना, वो तो हम लड़ाई लड़के रहेंगे, जब तक शरीर में सांस बचेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इसको लेके बेवजह लोग परेशान हुए, परेशान किए, तो भी हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं बोला क्योंकि हमें वहाँ चुनाव लड़ना था, लेकिन अभी कोई मन ही बना लिया कि जबरदस्ती दूसरे के घर में घुसना, तो फिर वो जनता मालिक है, किसी के कितने भी बाहू में ताकत हो जाए तो ये जो है ना वो कब्जा नहीं कर सकता। ये जब तक जनता का साथ नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तो मजबूती से हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है कि चुनाव कैंडिडेट हाईजैक से शुरू हुआ है, उन्होंने आप ही कैंडिडेट को हाईजैक कर लिया, आपने उनके कैंडिडेट को हाईजैक कर लिया, इसका फर्क पड़े? नहीं नहीं, देखिए, सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सब पार्टी स्वतंत्र है प्रत्याशी चुनने का, हर आदमी को स्वतंत्र है अपने चुनाव लड़ने का। मेरे साथ तो गलती पे ही गलती हो रहा है,
हमारे साथ निश्चित तौर पे सीट छीना गया, उसके बाद हमारे परेशान किया तो हमारे प्रत्याशी जो थे चले गए, और हमारे जो अभी प्रेजेंट में हमारे डॉक्टर गीता कुमारी जी जो प्रत्याशी बने हैं इनके साथ भी धोखा हुआ है, और ये भी जनता के बीच में जाएंगे, और हमें हमारे अभिभावक जो रमेश राम जी हैं वो आशीर्वाद दिए कि वीआईपी पार्टी ज्वाइन करके अपने सुपुत्री को लड़ा रहे हैं, ये हमारी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है, अब मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 16 तारीख को लेकर कैसे अगर आप जीत जाते हैं बोझा आगे की रणनीति क्या होगी? अगर जीत जाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जीत जाएंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 तारीख को वोटिंग समाप्त होगा और 14 तारीख को आप लोगों को निमंत्रण देंगे, भोज करेंगे पहले, और 16 तारीख को रिजल्ट बाद में आएगा। 16 का रिजल्ट एनडीए पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, ये सब एनडीए पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से मैं हूँ, उस पर आस्था विश्वास के साथ हूँ, और इस पर एनडीए का कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये एक सीट है, मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, और वो भी जीतने के बाद भी वो भी जो हमारे विधायक होंगे वो भी एनडीए के ही पार्ट होंगे। सहने जी मुद्दा क्या रहेगा? आप सरकार में बिहार में उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, बिहार में आप सरकार के अंदर है, विरोध नीतीश कुमार की सरकार का करेंगे या केंद्र सरकार का या भाजपा का? यहाँ पे किसी ने सीट जीतने की बात होगा, यहाँ पे विरोध की बात नहीं, हमारी सरकार है, उस क्षेत्र में जो भी समस्या हो उसके लिए हम तो लोग काम करेंगे। अभी जैसे हमारे एमएलसी फंड है वो भी हम ओछा के लिए समर्पित कर दिए हैं, हमारे जो खर्च करने का जो है वहाँ पे जो भी विकास का काम है वो भी हम ओछा में कर रहे हैं, तो हमारी सरकार है, उस क्षेत्र में जो भी समस्या होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और वो विकास का काम करेंगे। कुछ क्वेश्चन बाद में भी चलेगा? हाँ, बाद में चलते रहेगा, अभी हम चाहेंगे कि हमारे अभिभावक रमेश राम जी भी आपके बीच में कुछ बात को रखेंगे। अब तक जो कुछ हुआ, क्या लालू प्रसाद यादव ने कोई बातचीत की? आप लगातार सुबह तक आप नहीं थे, हमने आपसे मुलाकात भी की, आप सुबह तक वहाँ थे, शाम में यहाँ आ गए, क्या बात हुई? आपको हम कहना चाहते हैं कि जो हम जब से राजनीति किए हैं, हम 9 बार चुनाव जीते हैं, 1 बार भारत कमिश्नर भी रहे हैं, आज की स्थिति क्या है कि लालू यादव जब तक थे मुख्यमंत्री रहो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस तरह की घटना, इस तरह के व्यवहार कभी नहीं किए हों। जो व्यवहार आज मेरे साथ हुआ, पर हमसे परशुराम में बात जी के आइए आप टिकट ले जाइए आज की चर्चा किए थे, हमने अपने सो जाती है 90 रामचंद्र दास जी मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, उनको छोड़कर हम लालबाज यादव पक्ष में रहकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, बहुत ईमानदारी निष्ठा के साथ बिहार की जनता को गरीब शोषित अकलियत का सभी जाति धर्मों के लोगों को सम्मान के साथ हमने काम किया, कहीं गलत काम नहीं किया, अगर गलत काम किए होते थे आज हम जेल की सजा में रहते, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया, हमने कोई वादा खिलाफी नहीं किया, हमने सबका सम्मान किया। आप प्रेस मीडिया के साथी है, उस समय इतने साथी नहीं थे, कम लोग हुआ करते थे, आज तो दर्जन और सैकड़ों की संख्या में आप उपस्थित है, पहले करने पूरा मुश्किल था, तो जो काम किए हैं आज हमारे मुकेश सहनी जी जो इस राज्य के देश के गरीबों की समस्या उन्हें उठाने के काम कर रहे हैं, उस काम को भी अंजाम देने हम सहयोगी शुभचिंतक रहेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम लगातार उनके साथ हर काम में सहयोग करें और हर राज्य में साथ देंगे, और जहाँ तक गरीबों में समस्या है उसको निदान करने के देखते बाद और समाज को आगे बढ़ाने में जो बलिदान मिलता होगा उनके पीछे में आज सहयोग का बलिदान हम करेंगे। हम कहना चाहते हैं इंसान पार्टी जो इस राज्य के गरीब स्वस्थ को लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई का अंजाम देने में आप सबका सहयोग मिलना चाहिए। जो हमारी लड़ाई है, हमारा जो मुद्दा है, मेरा जो रास्ता है, वह जनहित में है, लोक हित में है, गरीबों के हित में है, इसमें कोई विपद करता है तो गरीबों को धोखा देता है, ऐसे धोखेबाज को आपको उछल जाने की जरूरत है, आज गरीब को समस्या निदान करें। हम विवाद कहना चाहते हैं, हम सरकार में हैं, सरकार में हैं, तो हम यही कहेंगे सरकार की जो जवाब दे
बनती है, जो गरीब सस्तों के सम्मान है उसके जुड़ने में पता है नहीं माना है तो रोकने को भी सरकार के अपने पहल करनी चाहिए और इस काम को अंजाम देना चाहिए। आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम पुनः आप लोगों से हृदय से अभिनंदन करते हैं, खमन करते हैं और साथ ही हम अपने अध्यक्ष आपको उनके सभी को हृदय से अभिनंदन घर मंत्र करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। आशा विश्वास है इंसान पार्टी पूरे राज्य में अपना अपन दर्जा प्रचार साथ राज्य की जनता को सेवा प्रदान करेगी। क्या बात नहीं सुनी जा रही है अब आप लोगों की आरजेडी में? सुनी जा रही जिस पक्ष को हम बोली आज क्या उसका अधिकार कितना और मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या हाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जब दलित के साथ व्यवहार किया है वह व्यवहार आज तक हम लोग हमने जीवन में किसी ने नहीं किया है। गेट पर बैठा दिया कि दो बजे मिलेंगे और फिर कमल बना दिया कि नहीं दो बजे में जाइए पास बुला के बात करें बात क्या करेंगे उनसे हम नौकर जाकर थोड़ा हम उनको मददगार है हमने मदद किया है। आज मुख्यमंत्री बनकर 10 बजे मजे बनकर सत्र में जानकर उनका अधिकार और दूसरे कहते थे यह माल पूरा माल है टुकड़ा माल करके चर्चा कर लिए थे। आज पूरा बिहार इस बात की जान लगा मुसाफिर पांच माल जो बेटा क्या किया है नहीं किया किसी चित्र छिपाना आपको लगता है कि इस बिहेवियर के साथ तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन बहुत बहुत धन्यवाद। और 23 तारीख को नामांकन होगा सिंबल लेकर ही ठीक है हाँ 23 तारीख को 23 तारीख को सिंबल सिंबल।